जय हिंद दोस्तों, जुनून क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं लेकर आया हूँ हिंदी का पार्ट 3 यानी कि वर्णमाला। तो दोस्तों हिंदी का मैंने आपसे शुरू वीडियो में बताया था सबसे पहले कि भाई हिंदी का कितना वेटेज है, तो एक बार मैं आपसे और डिस्कशन करना चाहता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से हिंदी का वेटेज एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार अपन MPSI को उठाकर देखें तो दोस्तों किस तरीके से हिंदी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों दो पेपर आते हैं, 100 नंबर का अलग से आता है, 100 नंबर का पेपर अलग से आता है। तो दोस्तों अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी इसमें लगभग 70 नंबर की हिंदी आती है और जो इंग्लिश रहती है वो कितनी आती, 30 नंबर की। तो दोस्तों ये दो सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी और इंग्लिश, 100 नंबर का पेपर इसका अलग आता है। इसके अलावा मैथ्स की हम बात करें दोस्तों 25 से 30 नंबर का मैथ्स आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी में अपन गलती कर देते हैं तो आपको मैथ्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स के अलावा रीजनिंग, जब मैथ आपका बनने लगा तो रीजनिंग अपने आप बन जाएगी। तो दोस्तों मैथ बहुत सहायक है रीजनिंग बनाने में। तो दोस्तों आजकल ऐसे में से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पूरे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ग क्यूब डाल देते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, तो लॉजिक लगाने के लिए मैथ्स का होना जरूरी। तो दोस्तों मैथ्स की भी लगातार वीडियो इस चैनल पर डलती जा रही, तो मैथ्स का भी ध्यान रखें आप। ठीक है दोस्तों, और मैथ्स के अलावा मुझे आज पता चला है कि भाई दीपक सर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और साथ में मैथ आपको पता है मैथ का वेटेज है कितना, आप हर एग्जाम से देखकर देखिए मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा मिलेगा। और साथ में राहुल सर भी लगे हुए हैं, तो दोनों टीचर मैथ को देख रहे हैं, तो मैथ का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। हिंदी तो आपकी मैं संभाल ही रहा हूं, इसके अलावा मैथ पर ही फोकस करते चलिए। तो इसके अलावा रीजनिंग का भी अगर वेटेज देखें तो ये भी दोस्तों 20 नंबर की आपको मिलेगी। तो दोस्तों 50 नंबर का पोर्शन रहेगा मैथ ही नहीं करेगा, मान लो कि मैथ अगर आपका है तो आप ये 50 नंबर बना के ले जाओगे। इसके अलावा हिंदी का तो मैंने बताई दिया, इसके अलावा मेरी GS की वीडियो दोस्तों लगातार डलती जा रही है, उसमें MPGK का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। MP के अलावा आपकी साइंस देखने को मिलेगी और इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो ये वेटेज अपना MPSI का रहेगा। MPSI की अगर बात करें उसके अलावा मैं पटवारी की बात करूं तो दोस्तों पटवारी में भी कहीं ना कहीं 20 नंबर की हिंदी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग की अपन बात करें तो 40 नंबर की हिंदी उसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो UPSI में भी हिंदी को देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से हिंदी का वेटेज आपका एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने वादा किया था कि वर्णमाला की क्लास में लाऊंगा, तो शुरुआत हम करते हैं छोटी से ही। ठीक है दोस्तों, छोटे यानी कि हिंदी के कितने वर्ण हैं, उसमें कितनी वर्णमाला है। जैसे अपन अल्फाबेट की बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है दोस्तों, 26, वो तो अपन को पता है। लेकिन हिंदी में दोस्तों 52 है, इसके दुगने। लेकिन 52 लिखने में भी अपना भाई पता नहीं 50 बार सोचना पड़ता है, 52 बार ही सोचना पड़ता है कि भाई 52 है कौन से। ठीक है दोस्तों, तो 52 वर्णमाला में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्णमाला बनी किस चीज से। तो वर्णमाला क्या रहती है दोस्तों, वर्णमाला हेडिंग डाली दोस्तों, वर्णमाला क्या रहती है दोस्तों, वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब रहता है माला का। अगर अपन माला को ध्यान से देखें, माला के यानी मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, माला की मैं बात कर रहा हूं, माला की जो गले में डालने वाली माला रहती है। तो दोस्तों ये माला रहती है, ये माला रहती है, कुछ चीजों का समूह तो है ना समूह। तो इसी तरीके से अगर हम वर्णमाला की बात करें तो दोस्तों वर्णमाला है वर्णों का समूह। वर्ण यानी का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, जा। तो दोस्तों ये वर्ण है, तो इनका समूह क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। तो दोस्तों वर्णमाला के पहले, ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं वर्णमाला होती क्या है। अगर वर्णमाला की डेफिनेशन दें तो क्या होती है वर्णमाला, वर्णों की व्यवस्थित समूह। क्या कहलाती है, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता या कहलाती है। तो वर्णमाला कहलाती है, क्या रहती है दोस्तों वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णमाला किन से बनती है दोस्तों, स्वर और व्यंजन से, स्वर और व्यंजन से मिलकर किसका निर्माण होता है दोस्तों, वर्णमाला का। ठीक है दोस्तों, कितने स्वर रहते हैं हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में रहते हैं दोस्तों 13 स्वर और 39 यानी 39 व्यंजन, तभी तो होते हैं 52। अल्फाबेट हिंदी इंग्लिश की बात करें, अल्फाबेट में कितने रहते हैं अल्फाबेट दोस्तों, 26 रहते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 1300 और 39 व्यंजन रहते हैं, तो इनका समूह क्या कहलाता है दोस्तों,
वर्णमाला कहलाती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, किस तरीके से हिंदी में स्वरों का विभाजन किया गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था कि सर आप बहुत छोटे छोटे अक्षर बनाते हैं, इसलिए मैंने काला अक्षर भैंस बराबर बना दिया बिल्कुल। तो दोस्तों इससे आपको अलग इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन दोस्तों साथ में लाइक भी करते चले। ठीक है दोस्तों, कमेंट आप तो बोल देते हैं दोस्तों कि हाँ ठीक है सर आपको छोटा अक्षर लिख रहा है हमें दिख नहीं रहा, आपकी लाइक भी तो हमें दिख नहीं रही है, तो हम छोटा ही बनाएंगे। जितनी लाइक दिखेगी आपकी, जितने सब्सक्राइब दिखेंगे उतने बड़े मैं अक्षर लिखूंगा। समझ रहे दोस्तों? तो ये रहता है अपना स्वर। स्वर क्या रहता है? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे स्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन में स्वतंत्रता रूप से नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? कहीं ना कहीं स्वरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है व्यंजनों को बोलने में। अगर मैं आ को लिखूं आ, क्या दोस्तों इसके लिए अलग वर्ड की जरूरत पड़ रही? क्या अलग मेरे को अक्षर की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र रूप क्या कहलाता है? स्वरों का स्वर कहलाता है। इसके अलावा अगर मैं व्यंजन का लिखूं, मैंने व्यंजन लिख दिया का, तो जैसे ही मैंने का लिखा तो का में आ का स्वर निकल रहा है, आ का स्वर निकल रहा है, यानी आ की ध्वनि निकल रही। अगर मैं का को तोड़ूं, का को अगर मैं तोड़ूं तो का प्लस आ निकलेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं व्यंजन में स्वरों का छिपा हुआ है, यानी स्वर कहीं ना कहीं व्यंजन में छिपे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लिखूं छा, क्या लिखूं दोस्तों? छा, तो छा में भी का प्लस सा दोनों वर्णों से मिलकर बना है, यानी दो वर्ण इसमें मिल गए। अगर मैं आ को लिखूं, क्या इसमें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है? किसी वर्ण की जरूरत पड़ रही? क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन में स्वरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वरों में व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ स्वर ऐसे रहते हैं जो दो सजातीय स्वर मिलके दो स्वरों का निर्माण करते हैं, यानी एक स्वर का निर्माण करते हैं, तो उसमें स्वरों की सहायता पड़ेगी, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने में या उनको तोड़ने में स्वर की जरूरत पड़ती है। कैसे दोस्तों? देखते हैं अपन अभी। जैसे मैंने बड़ा आ लिखा, क्या लिखा दोस्तों? बड़ा आ। मैं बड़ा आ तो लिख रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें स्वर छिपा हुआ है। क्या व्यंजन छिपा है? नहीं छिपा है। अगर हम आ को लिखते हैं तो किन दो वर्णों से मिलकर आ बनता है? छोटा आ और छोटा आ। क्या बनता है उससे? बड़ा आ बनता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी स्वर का निर्माण हो रहा है, तो स्वरों से ही बन रहा है, व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ रही। इसके अलावा मैं बड़ी ई की बात करूं, ठीक है दोस्तों, तो बड़ी ई की के लिए भी छोटी ई और छोटी ई को मिलाकर क्या बनती है? बड़ी मिलती है। क्या इसमें स्वरों की सहायता पड़ रही? जरूर पड़ रही, लेकिन व्यंजन शब्दों की सहायता नहीं लग रही है, इसीलिए स्वर अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। मैं अगर बड़ा ऊ की बात करूं तो बड़ा ऊ में भी क्या बनेगा दोस्तों? छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों? बड़ा ऊ बनता है। इसके अलावा ये तो रहा अपने सजाती, यानी छोटा आ और छोटा आ क्या है? सजाती वर्ण है, तो इससे बड़ा आ के निर्माण होगा। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या होगा? बड़ी ई बन गई, तो ये भी सजाती है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ाऊ, तो ये भी सजातीय वर्ण है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनमें व्यंजन की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, लेकिन मैं व्यंजनों को ध्यान से देखूं, अगर मैं व्यंजनों को ध्यान से देखूं तो उसमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है? स्वरों की जरूरत पड़ रही है। मान लो मैंने उठा लिया गा, गा किससे बना है? गा प्लस आ से बना है, बना है। इसके अलावा मैं स्रा की बात करूं, स्रा, स्रा किससे बना है? स्रा प्लस रा से मिलकर बना है, इसमें भी स्वरों की जरूरत पड़ी। और रा को अगर अपन तोड़े तो ये भी तो भाई आ निकलेगा, इसमें से अपने आप थोड़ी ना बन जाएगा। तो पहला अक्षर रहता है इसका, ठीक है, पहला अक्षर छोटा रहता है, बड़ा अक्षर बड़ा रहता है। तो दोस्तों इसमें भी कहीं ना कहीं स्वर की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा मैं ज्ञा की बात करूं तो ज्ञा में दोस्तों ला और जा मिलकर किसका निर्माण कर रहा है दोस्तों? ज्ञा का, तो इसमें भी स्वरों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं जा को अगर तोड़ू तो इसमें भी कहीं ना कहीं आ छिपा है। तो दोस्तों आ यहां भी है, आ यहां भी है, आ यहां भी है। तो इससे क्या पता चलता है कि स्वरों की सहायता कहां पर पड़ती है? व्यंजनों में। लेकिन व्यंजन के इसीलिए स्वर को स्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन व्यंजनों में किसकी जरूरत पड़ती है? स्वरों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि वर्णमाला किस तरीके डिफाइन की गई। तो सबसे पहले मैं स्वर बताता हूं आपको, स्वर कितने हैं। तो देखो दोस्तों, डायरेक्ट अगर मैं वर्णमाला की पूरी 52 अक्षरों की बना दूं तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। पहले हमको टुकड़ों में देखना पड़ेगा स्वर होते क्या है, ठीक है। तो व्यंजन होते क्या है, अयोग्य बाद स्वर कौन से रहते हैं। तो पहले अपन देखते हैं स्वर होता क्या है।
स्वर की दोस्तों डेफिनेशन आप लिखते चलने परिभाषा कि वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, लिखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर की अगर बात करें, स्वर का विभाजन कितने भागों में बंटा है, दो भागों में, एक रहता है दोस्तों मूल स्वर, एक रहता है दोस्तों दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर से पहले हम बात करें कि भाई स्वरों की जब उत्पत्ति हुई थी वो किस आधार पर हुई थी और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी थी। तो इससे पहले मैं आप मूल स्वर और दीर्घ स्वर से पहले बताता हूं कि उत्पत्ति जब हुई थी, जब स्वरों की उत्पत्ति हुई थी तो कितने स्वर थे दोस्तों, 10 स्वर थे। यह क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि भाई उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। कौन कौन से 10 थे, यहां पर स्पेस है, मैं दोस्तों यहां पर लिख रहा हूं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एनक, ओकली और औरत। तो दोस्तों ये 10 वर्ण है, यानी कि यही वो स्वर है जो उत्पत्ति के आधार पर थे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि भाई उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी थी, 10 थी। इसके अलावा उच्चारण काल के आधार पर हम ध्वनियों को देखें, यानी दोस्तों साथ में नोट करते हुए चलना, ठीक है दोस्तों। तो उच्चारण के आधार पर हम देखें, उच्चारण के, उच्चारण या मात्रा के अनुसार, उच्चारण का मतलब क्या रहता है दोस्तों, किसी चीज को हम बोलते हैं तो वो उच्चारण लेता है। मात्रा का कहते हैं दोस्तों, मात्रा की कई एग्जाम में परिभाषा पूछ ली जाती है, मात्रा क्या रहती है, स्वरों को बोलने में लगा गया समय क्या कहलाता है दोस्तों, मात्रा कहलाती है। तो बेसिक बेसिक चीजें भी समझें, क्यों, क्योंकि हम हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ रहे हैं, भाषा यानी सीखने के आधार पर पढ़ना है दोस्तों। तो मात्रा क्या रहती है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है दोस्तों, मात्रा कहलाती है। तो मात्रा के आधार पर कितने स्वरों की संख्या, 11 है दोस्तों। 11वां कौन सा बन गया दोस्तों, इसमें री से ऋषि को शामिल कर लिया गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा है तो इसमें यहां अपन फिट करते हैं उसे, ठीक है दोस्तों। ऋषि, ए, आई, ओ और औ। तो दोस्तों ये 11 शब्द हैं, वो किसके आधार पर है, उच्चारण काल के आधार पर। अगर बात करें हम उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या तो कितनी है दोस्तों, 11 संख्या है। तो ऋषि की मात्रा, एक बार हम मात्रा देखते हैं इनकी, इसके पहले मैं मात्रा को ऊपर लिखता हूं, यानी कि पहले साफ कर देता हूं, इसके अलावा मैं मात्रा लिखता हूं। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो छोटा छोटा रहता है इसलिए इसकी मात्रा नहीं होती। लेकिन मैं बड़े आ की मात्रा की बात करूं तो बड़े आ की मात्रा ये रहती है, तो छोटी ई की बात करूं तो ये रहती है, ठीक है दोस्तों। अगर बड़ी ई की बात मैं करूं तो बड़ी ई की मात्रा इस साइड से लगती है, ठीक है दोस्तों। बड़ा छोटा ऊ की मैं बात करूं तो छोटा ऊ की मात्रा कौन सी रहती है, ये रहती है। बड़ा ऊ की बात करूं तो बड़ा ऊ की मात्रा कौन सी रहती है, ये रहती है। और ऋषि की हम बात करें, मात्रा यह रहती है। लेकिन सर हमने तो आज तक देखी नहीं, ये भी डाउट है आपका, क्या आपने कृष्णा वर्ड में यानी कृष्णा अक्षर में इसकी मात्रा नहीं देखी दोस्तों, यही है ऋषि की मात्रा जो आपको देखने को मिलती है दोस्तों। इसके अलावा अपन ने बड़ा की मात्रा तो राम में भी देखी है, ठीक है, छोटी की भी देखी, बड़ी की देखी, लेकिन ऋषि में अपन कंफ्यूज होते हैं। तो भाई उच्चारण में मात्रा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, पड़ती है। तो इसीलिए इस वर्ड में आपने देखो कृष्णा वर्ड लिखा तो इसमें क्या है, ऋषि की मात्रा। इसके अलावा मैं एक ही मात्रा की लगाऊं तो एक ही मात्रा की रहती, ये वाली रहती, और आई की ये रहती है, और ओ की मात्रा ये रहती है, और औ की ये रहती है जो औरत में लगी रहती है, कौआ में लगी रहती है। तो दोस्तों ये कौन सी मात्रा है, औ की। तो इस तरीके से हम उच्चारण काल के आधार पर किसे देखें, स्वरों को, तो कितनी संख्या है दोस्तों, 11, ठीक है। इसके आधार पर अगर मैं कुल स्वरों की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों, कुल स्वरों की, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 13 है। 13 में से जो 13वां है दोस्तों, 11 तो हो गए, और जो 13वां है वो अम और आ है, जिन्हें क्या दोस्तों, क्या बोला गया है, अयोग वा। क्यों बोला गया दोस्तों अयोग वा, क्योंकि ये तो स्वरों में भी फिट नहीं हो रहे हैं, ना ही व्यंजन में फिट हो रहे हैं, लेकिन स्वर का कुछ गुण इनमें देखने को मिल रहा है। जैसे आ स्वर का भाई है, देख लो, अम स्वर का भाई है, लेकिन ये मात्रा तो भाई अलग दिख रही है ना, फिर भी इसे स्वरों में काउंट कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अयोग वा को भी स्वरों की, स्वरों में साथ लिया जाता है। तो अगर दोस्तों कईयों बार क्वेश्चन आ चुका है अयोग वा कौन सा, निम्न में से अयोग वा कौन सा है, या फिर आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा कि लिखे गए शब्द के पीछे किस वर्ण की मात्रा लगी है दोस्तों,
आयोग वाक्य। तो इस तरीके से दो दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आयोग वाक्य के बाद मैंने देख लिया स्वरों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये रही अपने स्वरों की 13 संख्या। आपको समझ में आ रहा होगा 13 स्वर है कौन से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनको और तरीके से तोड़ा गया है और तरीके से स्वरों को डिफाइन करा गया। तो पहले देखते हैं अपन मूल स्वर कौन से होते हैं। मूल स्वर वो स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, यानी जिनमें किसी भी मात्रा पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। तो मूल स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ होता है मूल स्वर, छोटी ई होती है दोस्तों, छोटा ऊ होता है दोस्तों, और ऋषि होती है। तो ये कौन से अपने मूल स्वर है? मूल स्वर को हम क्या कहते हैं? हस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। हस्व का मतलब छोटा और लघु का मतलब भी छोटा होता है, अर्थात वह स्वर जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? अपन मूल स्वर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मैं दीर्घ स्वर की बात करूं, नाम से ही लग रहा है भाई दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा। बचपन में देखा करते थे दोस्तों कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न तो बड़े रहते हैं इसलिए बड़ा रहता है। तो दीर्घ का मतलब क्या रहता है? बड़ा। तो दीर्घ भी दो भागों में बटे हैं। कौन से? एक तो संध स्वर जिन्हें संधि स्वर बोलते हैं, और दूसरा क्या रहता है अपना? संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त स्वर कौन से रहते हैं? अपन दोनों को देखते हैं। तो दोस्तों नोट करते हुए चले, इनसे काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अगर आप एग्जाम के सेट पेपर को लगाकर देखें तो दोस्तों टेस्ट सीरीज में लाऊंगा बाद में, पहले आप एक एक टॉपिक करते चलिए। इसके देन टेस्ट सीरीज के एमपीएसआई में कौन से क्वेश्चन आया है, ठीक है, संविधान में कौन सा आया है, पटवारी में कौन से क्वेश्चन से देखने को मिले। तो दोस्तों एक एक चीज को नोट करते चले और सीखते भी चले। तो मैं देखता हूँ, सबसे पहले देखो दोस्तों मूल स्वर तो मैंने बताई दिए चार है। इसके अलावा हम बात करें संध स्वर यानी संधि स्वर की। क्या रहता है दोस्तों संधि? संधि का मतलब क्या रहता है? जब दो चीज आपस में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संधि किसी दो लोगों के बीच में भी हो सकती है, दो वर्णों के बीच में हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो संधि स्वर कौन से रहते हैं दोस्तों? जो सजातीय रहते हैं, सजातीय स्वर को ही संधि स्वर बोलते हैं। जैसे बड़ा, बड़ा किससे मिलकर बनता है? छोटा और छोटा आ से। ठीक है दोस्तों, बड़ी ई किससे मिलकर बनती है? छोटी ई और छोटी ई से। बड़ा ऊ किससे मिलकर बनता है दोस्तों? छोटा ऊ और छोटा ऊ। ये भी सजाती, ये भी सजाती, तो इससे क्या होगा? संधि स्वर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों संधि स्वर किस किस चीज से मिलकर बनती है? छोटा आ और छोटा आ से। छोटी ई और छोटी ई से किसका निर्माण होता है? बड़ी ई का। और छोटा ऊ और छोटा ऊ से किसका निर्माण होता है? बड़ा ऊ का। तो दोस्तों इस तरीके से पता चलता है दो वर्ण सजाती मिलकर आपस में एक और अपने सजाती वर्ण का निर्माण करें उसे क्या बोलते हैं? संधि स्वर। ये तो हुआ संधि स्वर। तो दोस्तों नोट करते भी चले आप। इसके बाद बात करूं मैं संयुक्त स्वर की। करेता दोस्तों संयुक्त स्वर, देखो दोस्तों संधि स्वर और संयुक्त स्वर है तो दीर्घ स्वर के ही पार्ट, लेकिन उन्हें भी समझना पड़ेगा। संयुक्त स्वर की बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों ए आता है। ए किससे मिलकर बनता है दोस्तों? आ प्लस ई को मिलूं अगर मैं बनाऊं तो किसका निर्माण होता है? ए का। और आई का जब निर्माण होता है तो किस तरीके से होता है? छोटा आ के साथ में अगर बड़ी ई को जोड़ूं तो किसका निर्माण होता है? ए का। ठीक है, अलावा इसके अलावा मैं ओ की बात करूं तो ओ का निर्माण किस तरीके से होता है? आ प्लस ऊ से। ये दो बजाती है, इसे क्या बोलते हैं अपन? संयुक्त स्वर। दो तो संयुक्त व्यंजन तो आपने देखा, लेकिन संयुक्त स्वर भी देखिए, बहुत सी जगह छोड़ देते हैं भाई लिखा। तो संयुक्त स्वर को क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर कैसे बोलते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर को। अब दोस्तों अगर अउ की बात करूं तो अउ को किस तरीके से मिलेगा? छोटा आ और बड़ा ऊ को अगर मैं जोड़ूं तो किसका निर्माण होगा दोस्तों? अउ का। तो इस तरीके से अपन ने स्वरों का डेफिनेशन देख ली। अगले चैप्टर में अपन देखेंगे भाई, अगले लेक्चर में, कि भाई व्यंजन किस तरीके से डिवाइड है। तो स्वरों से भी बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो इसके अलावा आप लाइक करते रहिए, क्योंकि अगली वीडियो पे इसी आपकी लाइक पर ही डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।